हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको व्हाट्सएप में कोई मैसेजेस सेंड करके डिलीट कर देता है कुछ इस तरीके से, आप कैसे इन मैसेजेस को रिकवर कर पाएंगे, कैसे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये मैसेज क्या सेंड किए थे जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ और अब इसने डिलीट कर दिए हैं, तो गाइस आईफोन में ये जो चीज़ करनी है काफ़ी थोड़ी सी प्रिटी डिफ़िकल्ट मानी जाती है। तो कैसे करते हैं इस चीज़ को, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने किसी चैट से मैसेजेस को सेंड करवाया था और फिर खुद डिलीट करवाया है आपको एक वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने मैं अपने दूसरे फ़ोन से सेम यही प्रोसेस करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले मैसेज सेंड करूँगा अपने फ़ोन में। ये आ गया मुझे मैसेज यहाँ पर और मैं यहाँ से अपने फ़ोन से रीसेंट डिलीट फॉर एवरीवन करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फ़ोन से भी डिलीट हो चुका है और दूसरे फ़ोन से भी डिलीट हो चुका है। आप देख सकते हैं दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। तो अब गाइज मैं ऐसी एक सेटिंग करूँगा अपने फ़ोन में व्हाट्सएप में जिसके कारण आप जितने भी मैसेजेस सेंड करके डिलीट कर दोगे, कोई आपको मैसेज सेंड करके डिलीट कर देगा, वो डिलीट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को अप टू डेट कर लेना है, फुली अप टू डेट। जैसे कि जस्ट आप जाइए ऐप स्टोर पे और सर्च करो व्हाट्सएप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप अपना व्हाट्सएप मैसेंजर अपडेट कर लो, मेरा फुली अप टू डेट है। और अपडेट करने के बाद में आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है और आपको सेटिंग्स में एक ये ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट टू सी टू प्रेफरेंसेस। लेकिन आपको अभी ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, फिर ऑप्शन आपके सेटिंग्स व्हाट्सएप सेटिंग्स में आएगा। तो जस्ट क्या करना है, सबसे पहले अभी ये ऑप्शन कैसे लेना है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन में क्या सेटिंग को चेंज करना है, आपको जाना है व्हाट टू सी टू प्रेफरेंसेस पे और फिर चैट एडवांस चौथे नंबर पर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। और यहाँ पर ऑप्शन है कीप कॉन्टैक्ट डिलीटेड मैसेजेस, इसको ऑन कर लो। और जैसे ही ऑन करोगे रीलॉन्च के ऊपर क्लिक कर दो, रीलॉन्च आपका व्हाट्सएप होगा। और फिर जो है आपके कोई भी कॉन्टैक्ट मैसेज करेगा सेंड करके डिलीट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लो कि मैंने अभी मैसेजेस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर जो है मैं मैसेजेस सेंड कर रहा हूँ और ये जो है मैं अब डिलीट करता हूँ सारे के सारे मैसेजेस को। तो लेकिन इस फ़ोन में मैंने मैसेजेस देखे ही नहीं थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिए सारे के सारे मैसेजेस को डिलीट फॉर एवरीवन। तो ये हो गए सारे के सारे मैसेजेस डिलीट। और अब आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में कोई भी मैसेज डिलीट नहीं हुआ है, सारे के सारे मैं रिकवर कर पा रहा हूँ और देख सकता हूँ। और जो मैसेज डिलीट हुए होंगे वो आपके मैसेज के राइट साइड पे एक आइकन बना आ जाएगा कि ये यूज़र ने मैसेजेस डिलीट किए थे लेकिन हमने रिकवर किए हैं। तो अब गाइस बात करते हैं कि ये मेथड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले व्हाट टू सी टू प्रेफरेंसेस ऑप्शन कैसे लेना है, इसको लेने के लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा जेल ब्रेक। अगर आपने जेल ब्रेक नहीं करना है तो आप व्हाट टू सी व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि जब तक वो एप्लीकेशन वेरीफाइड रहेगी तब तक आपका काम कर देगी, अगर नहीं वेरीफाइड हुई तो वो बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा फ़ोन जेल ब्रेक। जेल ब्रेक करने के बाद सिरी एप्लीकेशन ओपन करो और आपको इस एप्लीकेशन में सर्च बार में जाना है और सर्च करना है व्हाट टू सी टू फॉर व्हाट्सएप। तो आप देख सकते हैं व्हाट टू सी टू फॉर व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आपको भी इसे इंस्टॉल करके रीस्टार्ट स्प्रिंग बोर्ड करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे और स्प्रिंग बोर्ड रीस्टार्ट का एक बटन होता है उसको क्लिक करना है, उसको क्लिक करते ही आपका फ़ोन एक तरह से रीस्टार्ट या रीस्प्रिंग होगा। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप में ये जो ऑप्शन है आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आप अपनी चैट एडवांस में कीप कॉन्टैक्ट्स डिलीटेड मैसेजेस को ऑन कर सकते हो। ये सिंपल मेथड है, आपको कैसी लगी ये वीडियो, अगर कोई और हेल्प चाहिए तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।